नमस्ते, TV5 बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं त्रिशा। सरकार में चुनावी अटकलें बड़ी तेजी से चल रही है। आश्चर्य की बात यह है कि हरिशंकर जी के ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है, इंसान आता जाता रहता है, फाइल का काम देखो। नहीं, किसी और को सीट दी जा रही है। पार्टी कमांड ने ये निर्णय आज ही लिया है। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी जी सूर्य नारायण ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना MLA का नॉमिनेशन भरा। इस बात पे पार्टी में हलचल मच गई है। क्यों भाई, राजनीति में आना चाहते हो इसीलिए नॉमिनेशन भरा है तुमने? मैंने नॉमिनेशन पर्चा भरा ही नहीं। तुमने नहीं भरा है तो तुम्हारे नाम से किसी और ने भर दिया? ऐसा हो सकता है। ए, तुमने अपने गांव में किसी कागज पे साइन किया था क्या? साइन? वो हरिशंकर का ट्रस्ट था, कर दिया मैंने। फोटो भी खिंचवाया था क्या? फोटो मैंने फ्रेंड्स के साथ खिंचवाए थे। अरे गवार कहीं के, ऐसे क्या देख रहा है? तेरे नाम पर किसी ने नॉमिनेशन भरा है, जाकर नाम वापस ले ले। मेरा ही PA मेरी पार्टी के खिलाफ नॉमिनेशन भरेगा तो पार्टी की नहीं मेरी भी बेइज्जती होगी। जा यहाँ से। ऐसे क्या देख रहा है, जा यहाँ से। अकल है कि नहीं? हरिशंकर के नाम संस्था खोल रहे हो, उसके नाम पर साइन किए थे, फोटो के लिए पोज दिया था, ये सब तुम्हारे विश्वास पर किया। मेरा नाम नॉमिनेशन के लिए किसने दिया बताओ? मैंने दिया था। और मैंने भी। बचपन से ही तुम समाज सेवा करते हो, ये हरिशंकर जी बार बार कहते थे तू अच्छा कार्य करता है। उनकी बात को ही ध्यान में रखकर मैंने तुमने जो पेपर साइन किया था उसे नॉमिनेशन के लिए भेज दिया। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? CA मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो क्या निकालेगा रे, तूने जो दूसरा पेपर साइन किया था ना उसे ऑलरेडी टाइप करवा के उस पर इस्तीफा लिखवा कर भेजवा दिया हमने। भेज दिया? मैं MLA कैसे? सुनने में ही डर लगता है। मेरा मन नहीं है, मैं अभी जाकर मेरा नाम वापस लेता हूँ। अरे अरे अरे, सुन। अरे 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 जन गण मन अधिना। क्या माँ जी, आप भी? उन्होंने तेरे अंदर एक राजनायक को देखा था, एक संघ सेवक को देखा था। उन्होंने मरते वक्त दो वचन ली थी मुझसे कि मैं कभी सिंदूर नहीं मिटाऊंगी और दूसरा तुम उनकी जगह MLA बनकर जनता की सेवा करोगी। पति के मरने के बाद भी उनकी वचन को निभाते हुए मैंने जनता के सामने उनकी पहली इच्छा सिंदूर को ना मिटाने की कसम खाई है। अब उनकी दूसरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, ये मेरा विश्वास है। ये उनका भी विश्वास था, जनता का विश्वास है। अगर तुम अपने गुरु की इतनी इज्जत करते हो तो नामांकन वापस मत लो। इस देश में जनता की सेवा करने वाला कोई नेता नहीं है। देश की डोर अच्छे नेताओं को ही मिलनी चाहिए बेटा। उन्होंने जिन खूनियों अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अपनी जान तक गवा दी है, वही महेंद्र सागर आज प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो रहा है। इस महान देश में एक ऐसे गुंडे आदमी को चुनाव में खड़े होने से तुम्हें ही रोकना होगा। गुरुजी की सौगंध, उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। MLA बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तेरे पास? अच्छा मन है सर। नाम वापस नहीं लेगा? जीत कर जनता की सेवा करूंगा सर। बिना पैसे कुछ नहीं होता। है, मैं जनता के पास जाऊंगा, वो मुझे जरूर वोट देगी। जहाँ से तू खड़ा हो रहा है वहाँ से पता है कौन खड़ा हो रहा है? करोड़पति महेंद्र, उसे खड़ा कर रहा हूँ मैं। यही जानते हुए मैंने नाम वापस नहीं लिया। एक अमीर आदमी ने इतने सारे गलत काम किए हैं, कल MLA बन गया तो और कितने अत्याचार करेगा। गेट आउट, एक मिनट भी मेरे सामने खड़े मत हो। चलता हूँ सर, जीत कर ही आऊंगा। आपकी जीत के बारे में सोचिएगा। मेरा इस्तीफा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। निकलो। इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एक वोट के 1000 रुपए, महिलाओं को साड़ी, आदमियों को क्वार्टर दे रहे हैं।
ऐसे करोड़ों रुपए खर्च करने वाला पहले अपने घर भरने के बारे में सोचेगा या फिर वो तुम्हारी सेवा करेगा। ऐसे ही जीतने वाले लोग राजनीति को गंदा कर रहे हैं। सूर्य बाबू, मैं रथ पर बैठे कृष्ण की तरह हूँ और तुम वहां जमीन पर खड़े अर्जुन की तरह। तुझे गीता का उपदेश दूं क्या? मेरे पीछे देख, कितनी कारें खड़ी हैं। ये मेरी ताकत है, ये मेरा हौसला है। देखो वो सब किराए की कारें हैं, उसके अंदर बैठे लोग सब किराए के हैं। और तेरे पीछे खड़ी जनता क्या तेरी है? एक बार आँख खोल कर देखो जरा। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू, सूर्य बाबू। मर्द के पीछे खड़ी औरत क्या तेरी सेनापति है? और हमारे पीछे है श्री राम जी की सेना। पैसों के दम पर मैं इस राम की सेना को अपनी तरफ कर लूंगा और तुम्हारे पीछे खड़ी हुई जनता हमें सरकार में लाएगी। तूने कौन सा अच्छा काम किया है? क्या किया है? मासूम लड़कियों के ऊपर एसिड डालना अच्छा काम किया है? सामान्य जनता को भूखा रखना अच्छा काम है क्या? महिलाओं को विधवा करना अच्छा काम है? तुम जो जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हो वो जनता खुद देख रही है। इस बार मैं तुम्हें सही सबक सिखाकर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। सूर्य बाबू, सूर्य बाबू। जनता को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये गैस पर चढ़े हुए चावल की तरह है, नीचे आग जलने पर उबाल आ जाता है लेकिन ऊपर पानी डालने पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वो सब कल तक था, आज की भीड़ पानी डालने से चुपचाप बैठने वाली नहीं है। आग की उबाल बनकर बाहर आकर तुम्हें जला देगी, खाक कर देगी, समझ ले तू। तेरे जैसे हरामी 5 साल में एक बार वोट की खातिर जनता के सामने कुत्तों के लिए बिस्कुट डालकर वोट मांगा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ, जनता बदल गई है। उस बदलाव के लिए ही संघर्ष करता रहूंगा, उस बदलाव के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। जनता मेरे साथ है। कितने भी लोग क्यों ना हो, वोटिंग से पहले इन्हें चाहे दारू देकर या रुपए देकर या साड़ी देकर बिरयानी के पैकेट देकर तितर बितर कर दूंगा। इस जनता से मैं अपने नाम पर मोहर लगवाऊंगा, देखना। अरे अंधेरा भी सूर्य भगवान के सामने ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, सुबह होकर ही रहेगी। वैसे ही एक दिन तेरे साथ होगा, मेरे जैसे सूरज से टकराने की कोशिश बिल्कुल मत करो तुम। मना करने पर मना करती है जनता, तुम भी अपने जीवन में सूरज से टकराने की कोशिश कर रहे हो। इस सब जनता को तेरे खिलाफ लाकर खड़ा कर दूंगा, इस सूरज की रोशनी क्या है दिखाऊंगा। हरिशंकर जी की सौगंध खाकर बोल रहा हूँ, गुंडा राज को खत्म कर दूंगा, गुंडों की गर्दन काट दूंगा, औरत की इज्जत नहीं करेगा उसे मिटा दूंगा।